मेरा नाम है हारिश शाहिद और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ जीएसटी सेल्स टैक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर जो कि एफबीआर की रिक्वायरमेंट है। और पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस हैं जो एफबीआर से लिंक होना चाह रहे हैं, अपनी इनवॉइसेस को लिंक करना चाह रहे हैं, वह हमारा सॉफ्टवेयर इजीली डेमो देख सकते हैं। इसमें हमने इस सॉफ्टवेयर को एफबीआर से लिंक किया हुआ है, आपकी तमाम ट्रांजेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक एफबीआर के पास चली जाएगी जो कि इस वक्त तमाम बिजनेस की रिक्वायरमेंट बन गई है। तो इसमें आप सेल टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपका सेल टैक्स पेएबल कितना है, रिसीवेबल कितना है, आपकी पीएनएल, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, इसके साथ आपके रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस वगैरह हर चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो आइए छोटा सा आपको डेमो दिखाते हैं। यह आ गया लॉगिन स्क्रीन, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। ये आप देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, कोई आइटम ऐड कर लेते हैं जो भी आपका बिजनेस है होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कपड़ों का काम है या आपका रिटेल शॉप है या आपका गारमेंट्स है, एक फार्मेसी है, कुछ भी है, आप अपने सारे आइटम्स ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ कैटेगरी बनाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक आइटम एसी, और बल्कि मैं कर देता हूँ इसको एयर कूलर। ठीक है, एयर कूलर कर दिया। आइटम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, रैक नंबर अगर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसमें। परचेज प्राइस आपको कितने का, ये आपको कॉस्टिंग क्या आ रही है इसकी, फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपये इसकी परचेज प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, मैंने डाल दी 15,000 रुपये। अगर आप सेल टैक्स परसेंटेज यहाँ फिक्स करना चाहते हैं आइटम पे तो आप परसेंटेज फिक्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनवॉइस पे भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया सेव, एक आइटम ऐड हो गया। इसी तरह आपके जितने भी आइटम्स होंगे वो आप यहाँ सारे अपने आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे परचेजेस में, परचेज ऑर्डर भी आप बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज सेल्स टैक्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे परचेज सेल्स टैक्स, न्यू वेंडर्स, आप अपने वेंडर्स तमाम ऐड कर देंगे जिनसे आप परचेजिंग करते हैं। यहाँ पे कैश परचेज आ रहा है, क्रेडिट परचेज आ रहा है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक परचेज है, मेरा वेंडर है इमरान ट्रेडिंग LLC। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, इसको मैंने कर दिया सेव। इसी तरीके से जितने भी आपके वेंडर्स होंगे आप इसमें ऐड करते जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं सर्च करता हूँ इमरान ट्रेडिंग LLC। अब मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया, किस बिल के अगेंस्ट मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, क्या परचेज कर रहा हूँ, मैंने बता दिया एयर कूलर। अब मुझे बता रहा है ज़ीरो बैलेंस पड़े हुए, मैंने 5 क्वांटिटी ले ली, 12,000 के हिसाब से 60,000 का बिल बन गया। 17% मैंने GST मुझे लग गया, मैंने 17% डाल दिया तो ऑटोमेटिक GST अमाउंट आ गई आपके पास 10,200। टोटल इंक्लूडिंग टैक्स मेरा बन गया 70,200। अब आप अपनी पेमेंट वेंडर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये इनवॉइस के अगेंस्ट में पे कर दिया, 60,200 आपका बैलेंस हो जाएगा जो वेंडर इसके लेजर में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। इसको मैंने प्रिंट किया तो ये आप एक इनवॉइस देख सकते हैं, सेल टैक्स इनवॉइस आपकी बन के आ जाएगी जिसमें ऊपर आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें सारा आपका डेटा आ गया। इसी के साथ अगर मुझे देखना है कि स्टॉक के साथ कितना पड़ा हुआ है, मैं रिपोर्ट्स में आ जाऊँगा, इन्वेंट्री बैलेंसेज में डिस्प्ले किया मैंने, ये आपका स्टॉक आ गया, 5 क्वांटिटी आपके पास इन हो चुकी है, आउट अभी तक 0 है और 5 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब हम बनाते हैं सेल टैक्स इनवॉइस। जैसे ही मेरे पास कस्टमर आता है मैं आ जाता हूँ सेल्स में, सेल्स टैक्स इनवॉइस, किस कस्टमर को इनवॉइस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कस्टमर बता दिया, फॉर एग्जाम्पल अवेज हैदर एक कस्टमर है। क्या सेल कर रहा हूँ, मैंने बता दिया एयर कूलर में सेल कर रहा हूँ। अब मुझे बता रहा है 5 मेरे पास स्टॉक में मौजूद है, मैंने एक सेल कर दिया 15,000 के हिसाब से। अब मुझे कितना GST में ले रहा हूँ, 17% मैंने GST ले लिया, 2,2550 रुपये का इसका टोटल अमाउंट बन गया। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये मेरी एक सेल्फ टैक्स इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी जो कि FBR की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ मुझे लेजर्स देखने, अब मैं अवैध हैदर का लेजर देखूंगा जो मेरा रिसीवेबल है, तो यह मुझे बता देगा कि आपकी टोटल ये रिसीवेबल है 17,500। पार्टी का लेजर आप प्रिंट कर सकते हैं, पार्टी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सअप ऑप्शन भी है, PDF में कन्वर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे अपने वेंडर का लेजर देखना है जिनको मुझे पेमेंट देनी है तो उसका भी मैं लेजर दिखा दूंगा। इसका यहाँ पर आपके बता रहा है कि 10,000 आप पे कर चुके हैं, बकाया ये इसका बैलेंस है। इसमें बाकी तमाम रिपोर्ट्स हैं, सेल्स, परचेज, आपकी ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सेल टैक्स का लेजर निकालना है आपको, सेल्स टैक्स रिसीवेबल या पेएबल, तो यहाँ पे आप सेल टैक्स पेएबल शो करेंगे, आपको बता रहा होगा इतना पेएबल है, सेल्स टैक्स रिटर्न आप शो करना चाहें वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो मज़ीद आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, हम आपको उसमें मजीद गाइडलाइन देंगे। थैंक यू सो मच।